तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो रिप्लाई के बारे में। तो आप सबको ऑटो रिप्लाई का पता ही होगा, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑटो रिप्लाई क्यों लगाते हैं। तो मैं सिंपली आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑटो रिप्लाई कैसे लगा सकते हो एक ऐप की मदद से अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक ऐप है। तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी आप लोगों ने, जिससे आप ऑटो रिप्लाई लगा सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप एक ऐप की मदद से अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑटो रिप्लाई लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑटो रिप्लाई लगा सकते हो, व्हाट्सएप, बिजनेस, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर है, लिंक्डइन है, और भी यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन सारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट कवर हो जाते हैं इस एक ऐप की मदद से। तो इसको आपने सेटअप कैसे करना है वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ऑटो रिप्लाई के नाम से है। तो इसकी मदद से आप तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही हमारे पास इसका होम कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह सेटअप किया है कि जब भी मुझे कोई नया बंदा मैसेज करें या कोई भी बंदा जो मुझे 3 दिन बाद मैसेज करे तो उसको ऑटो रिप्लाई मेरा चला जाए। तो वो ऑटो रिप्लाई मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे स्टार और ये हाइफन वगैरह इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वर्ड जो है बोल्ड हो जाते हैं। तो इसमें मैंने एक नेम का टैग दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टैग के ऑप्शन भी है कि आपके फ़ोन में अगर उसका नंबर सेव है या फेसबुक से वो खुद नाम उठा के यहाँ पे लगा देगा जहाँ पे नेम मैंने लिखा हुआ है। नहीं तो आप मैसेज करके देख लीजिएगा, आपको इस नेम की जगह पे आपका नेम मिल जाएगा और आप इस तरह से कुछ सेटिंग कर सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट के अंदर अपना मैसेज टाइप कर देना है और इसको टिक कर देना है। ये आपका मैसेज सेव हो गया। इसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी से जाके वो कहेगा कि आप अलाउ करो, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देता रहेगा और डायरेक्ट आपको वहाँ पे पहुँचाता रहेगा। तो आपने दो चीज़ें अलाउ करनी होती है, एक एक्सेसिबिलिटी और इसके एक नोटिफिकेशन वगैरह, जिसकी मदद से ये बैकग्राउंड पे रन रहता है और जब भी कोई आपका मैसेज आता है तो आपका मोबाइल ही उसको ऑटो रिप्लाई कर देता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके मेन्यू में आएँ सबसे पहले। तो मेन्यू के अंदर आप इसके सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप किस किस जगह पर आप अपना ऑटो रिप्लाई देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अकाउंट मौजूद सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिनको आप लिंक कर सकते हो इस एक ऐप की मदद से। तो यहाँ पे आपने जो जिस पे भेजना है आप उसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद दूसरे पे आपका कस्टम रिप्लाई आ जाता है। इसमें क्या है, तो यहाँ पे अगर कोई आपको हेलो कहेगा तो उसके पास ये मैसेज आएगा, उसके बाद थैंक्स कहेगा तो उसके पास ये मैसेज आएगा। इस तरह से आप अपनी इधर पूरी लिस्ट बना सकते हो। आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना वो वर्ड लिख देना है कि वो आपको क्या मैसेज करे, और नीचे आपने ऑटो रिप्लाई लिख देना है कि आपका मैसेज क्या जाए। तो वो आप इधर से सेट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपने इस तरह इसको सेट करना है और यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा और आपने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है वेलकम मैसेज का। अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपके जितने भी जो भी कोई नया बंदा आएगा तो उसको ये मैसेज चला जाएगा 3 दिन बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन बाद अगर वो आपको मैसेज करेगा तो वो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। जैसे आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप या फेसबुक पे कहीं पर भी आपने देखा होगा कि अगर आप 3 दिन के बाद मुझे मैसेज करते हैं तो आपको ऑटो रिप्लाई दोबारा से जा रहा होता है। तो इस तरह से आप अपनी बनी बनाई चैट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमने मैनुअल बनाई थी यहाँ पे ये वाली, तो इस तरह से बना के आप यहाँ पे शीट भी अपलोड कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपने होम पे यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर लेना है और मैसेज टाइप करने के बाद आपने इसमें कॉन्टैक्ट्स में आके एवरीवन कर देना है और यहाँ पे आपके मैसेज आते हैं कि आपके मैसेज कितने लोगों को और किस किस सोशल मीडिया पे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस सोशल मीडिया पे मैसेज इतने चले गए हैं ऑटो रिप्लाई की मदद से। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन का लिखा हुआ है तो आपने इसको ऑन करना है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप इसको और भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हो, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा इसका कि आपका ये ऐप कब काम करे, कब बंद हो और इस तरह से कुछ है। लेकिन आप इसको ना भी पे करे तो भी आप इसको चला सकते हो। तो यहाँ पे टाइम डिले का भी आया हुआ है एक,
तो यहाँ पे 99 मिनट के बाद भी आप किसी भी एक बंदे को मैसेज कर सकते हो, यानी कि आपको किसी ने मैसेज किया 99 बाद फिर उसको अगर वो मैसेज करेगा तो उसको मैसेज जाएगा, ये भी आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर कोई मुझे मैसेज नया बंदा करे तो उसको सिर्फ एक बार रिप्लाई जाए, क्योंकि बार बार जाएगा तो वो इरिटेट होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा हुआ है कि आप बस एक बंदे को एक बार मैसेज करो, वरना वो बार बार भी आप इसको अगर चेक खत्म कर देंगे तो वो बार बार भी जाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है रिप्लाई हेडर, तो यहाँ पे रिप्लाई हेडर में जो ऊपर ऑटो रिप्लाई लिखा हो आप ये चेंज कर सकते हो। तो मैं ऑटो रिप्लाई रहने दूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन से अगर किसी बंदे को मैसेज आए तो उसे पता चल जाएगा ये ऑटो रिप्लाई, अगर ऑटो रिप्लाई ख़त्म कर दूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऐप लॉक, यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हो इस ऐप को, और नाइट मोड और डे मोड ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में कि आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हो, मैंने मेन मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आप ये ऐप नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर आप सेटिंग में चले जाएं, सेटिंग में जाने के बाद बिजनेस टूल्स में, और उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज का एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ऑलवेज मैसेज, यहाँ पे आप अपना ऑटो रिप्लाई लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक रिप्लाई ये आप सेट कर सकते हो, कि कोई भी न्यू बंदा आए आपको मैसेज करे और उसको यहाँ पे चला जाए मैसेज, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करके यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हो और यहाँ पे बता सकते हो कि जितने भी बंदे आए उन सबको एक बार मैसेज आए। तो मुझे बहुत आसान लगा, क्योंकि मैं वो काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस व्हाट्सएप, तो मैंने अभी से इंस्टॉल किया, पहले मेरे पास नहीं थी, पहले इसमें थोड़े से एरर थे और वो मैंने बताया भी थे कि ये अकाउंट को बैन वगैरह कर देती है। इसलिए अगर कोई ये यूज़ करना चाहे बिजनेस व्हाट्सएप से यहाँ से कर सकता है, और अगर कोई ये ऐप यूज़ करना चाहे तो ये भी कर सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप बहुत सारे सोशल मीडिया को कवर कर सकते हो। यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी नॉलेज में कुछ इजाफा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।